विशाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ट्रस्ट मी, एटली हाथ उठाना कम्प्लीटली रॉन्ग करते हैं, तो डेफिनेटली जिसने भी अरमान ने हाथ उठाया आई गेस उसको इवेक्ट करना चाहिए। पहली चीज है कि आप फिजिकली किसी को टच नहीं कर सकते, वो हीरो बनेगा शो का जल्दी। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे बज़ूका। सचिन, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। कितने एक्साइटेड हो सबसे पहले तो वो जानते हैं। यार आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, क्योंकि जन्मदिन साल में एक बार आता है और मैं हमेशा मेरे लव्ड वंस के साथ धूमधाम से सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि मैं कोई कमी नहीं छोड़ता किसी भी तरीके से। आज की पार्टी एकदम बैंगर होने वाली है, सब लोग बहुत धमाल करने वाले हैं। वी आर गोना पार्टी हार्ड टुनाइट और आई एम सुपर एक्साइटेड। मेरे सारे दोस्त भी आ रहे हैं, ऑल स्प्लिट प्लान्स आर कमिंग, एंड जितने लोगों को मैं 10 साल से जानता हूँ, इनसे इतना प्यार मिला है हमेशा से, जिन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, तो आई रियली वॉन्ट टू सी दैम एन्जॉइंग टुडे। तो बस वही है, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। वेल, अगर मैं आपकी एक मेमरीज की बात करूँ कि सबसे बेस्ट बर्थडे मेमरीज की, तो वो कौन सी थी? यार सबसे बेस्ट बर्थडे मेमरी आई फील जब मैंने पहली बार मुंबई में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था धूमधाम से, क्योंकि क्या होता है ना कि वेन यू सी पीपल सेलिब्रेटिंग देयर डेज एंड यू नो उनका टाइम चल रहा होता है, बहुत अच्छी मेहनत करके वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतनी मेहनत करते हो और आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आपको इतने सारे लोग प्यार कर रहे हैं। तो जब वो बर्थडे इतना सेलिब्रेट हुआ था, अच्छे से सारे लोग आए थे, सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलो कहीं कुछ कर रहे हैं लाइफ में अभी। वेल, अगर कोई एक गिफ्ट आपको खुद से खुद को देना हो इस बर्थडे, तो आप क्या देना पसंद करें? खुद को गिफ्ट जी वैगन। तो क्या ये हम सोच सकते कि ये हो? देखो यार, नेवर से नेवर, यू नेवर नो कब क्या हो जाए, तो जी वैगन तो चाहिए अपने को। ग्रेट। अगर अभी जो पार्टी में सारे लोग आएंगे, उनसे किस तरीके के गिफ्ट आपको चाहिए? यार मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई मटेरियलिस्टिक गिफ्ट उन लोगों की साइड से नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट देम टू कम एंड एंजॉय द पार्टी, और जो हमेशा वो प्यार देते हैं, जिस तरीके से, जो रिस्पेक्ट और वैल्यू के साथ हमेशा वो जिस तरीके से मेरे साथ टाइम गुजारते आए हैं, वो लोग वैसे ही जुड़े रहें। मेरे फ्रेंड्स मेरी एसेट्स हैं, तो मैं कभी उनके ऊपर लेबिलिटी नहीं देना चाहता कि भाई मुझे ये दो वो दो, आ जाए बस बहुत है। वेल, अगर मैं बात करूँ, जैसे आपको पता है कि जिस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करते हम हमारे पेरेंट्स को हमेशा मिस करते, कितना पेरेंट्स को मिस कर रहे हो? यार आई वॉज टॉकिंग टू माई फैमिली, मेरी मम्मी से बात हो रही थी इस चीज़ के बारे में, वो लोग आने भी वाले थे, बट सडनली थोड़ी मम्मी की तबीयत ख़राब है एंड शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल ट्रैवलिंग राइट नाउ, बट मैं उनके साथ डेफिनेटली आफ्टर दिस बर्थडे जाऊंगा और थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा पक्का। वेल सचिन, इसके अलावा अभी जैसे कि मैं आपसे उस दिन भी पूछा था बिग बॉस के बारे में, करेंटली विशाल के साथ एक चीज़ बहुत गलत हुई है, हाथ उठाया गया है, गलत एलिगेशन लगाया, उन्होंने एक वर्ड रिपीट किया था जो उन्होंने बोला था वो, बट उसे पोर्ट्रे कुछ अलग वे में किया गया, आप क्या कहना चाहोगे? विशाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ट्रस्ट मी, एंड देखो इन शो में ना पहली चीज़ है कि आप फिजिकली किसी को टच नहीं कर सकते, उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। चलो जो भी चीज़ तुम मिसअंडरस्टैंडिंग ले रहे हो अपने ऊपर, एटलीस्ट उस चीज़ के लिए तुम डायरेक्टली फिजिकल नहीं हो सकते किसी के साथ, डायरेक्टली मार नहीं सकते हो किसी को, ठीक है, आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, डायरेक्टली हाथ उठाना कम्प्लीटली रॉन्ग, नॉट मतलब कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा वो। अगर मतलब मुझे बस ये एक्सपेक्ट करता हूँ जियो सिनेमा वायकॉम जितने भी प्रोडक्शन वाले लोग हैं, वो लोग हमेशा फेयर डिसीजन लेते हैं, जो भी हमेशा हाथ उठाता है उसको इवेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली जिसने भी अरमान ने हाथ उठाया आई गेस उसको इवेक्ट करना चाहिए आई फील। पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि जिस तरीके से लव कटारिया ने जो वर्ड बोले उन्हें विशाल का साथ देना चाहिए था एंड ऑफ? यार मुझे लगता है कि अगर देखो कोई भी चीज़ गलत है, लाइक वोकली कुछ गलत बोल रहे हो आप, इंटेंशन मैटर करते हैं। मैं बोल रहा हूँ आज मैं अच्छा हूँ और मैं लस के साथ बोलूँगा आज मैं अच्छा हूँ, दोनों में फ़र्क है ना, इंटेंशन क्या है ना वर्ड के पीछे, कि क्या सोच है उस वर्ड के पीछे, वो बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो ना, कि अगर आपने किसी इंसान ने किसी चीज़ को, ब्यूटी को हर एक इंसान अप्रिशिएट करता है राइट, तो मैं बोलूँ आप अच्छे लग रहे हो, आप सुंदर लग रहे हो, आपको ऑफेंड हुआ है ये चीज़, अगर मैं यही चीज़ को गलत तरीके से पोर्ट्रे करके बोलूँगा तो आपको भी बुरा लगेगा ना शायद, तो इंटेंशन सही था आई फील उसके लिए, और सपोर्ट तो डेफिनेटली, अगर जो भी, अगर वो गलत चीज़ है, मैंने देखा नहीं है वो एपिसोड, मैंने कुछ क्लिप्स देखे कि विशाल को थप्पड़ मारा है, अगर मैं देखता वो चीज़ पे तो ज़्यादा बेटर जज कर पाता। काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो लास्टली विशाल के लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखो हर कहानी में ना स्टार्ट, मिडिल और एंड होता है, और वो हीरो बनेगा शो का जल्दी, आई एम श्योर अबाउट इट। लास्टली आप अपने बर्थडे के लिए अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे, और हैप्पी बर्थडे अगेन? थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं किसी को फैंस नहीं बोलता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हाँ मेरी फैमिली है, वो प्यार करते हैं मुझे, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, और देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, मेहनत करते रहूँगा, कभी उनको लेट डाउन फील नहीं करूँगा, बाकी जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, आई थिंक आई एम मोर देन ग्रेटफुल इन लाइफ, और बस आप प्यार करते रहो, बाकी तरक्की हम करते रहेंगे।
ग्रेट, थैंक यू सो मच।